धर्मशाला के तपोवन में चल रहा विधानसभा सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने जैसे ही बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी पर विपक्ष से माफी मांगने की बात कही तो पूरा विपक्ष भड़क गया। इस दौरान दोनों पक्षों में चली नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही 25 मिनट तक स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में प्रश्नकाल के शांतिपूर्ण चलने के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, नूरपुर के भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने बुधवार को विपक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी का मामला उठाया। उन्होंने अध्यक्ष से माफी मांगने को कहा, जिससे विपक्ष भड़क गया और दोनों तरफ से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इस तीखी नोकझोंक के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 25 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 25 मिनट के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, विपक्ष ने सदन के भीतर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। इतने में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत दी। जैसे ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वैसे ही राकेश पठानिया ने बोलना शुरू कर दिया और सदन का माहौल फिर गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सब शांत कर दिया। तब मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कल मुख्यमंत्री के कहने पर निंदा प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बीते रोज कहा कि उनको विपक्ष के नेता भाजपा ने बनाया है, लेकिन ये कोई खैरात नहीं है। यदि वो इस नोटिफिकेशन को रद्द करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ चलने को तैयार है, लेकिन सत्ता पक्ष सदन में विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहता। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सोचती है कि वो उन्हें डरा धमका कर चुप करा लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से पूछा कि आज वो नियमों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त नियम कहाँ थे जब सुरेश भारद्वाज अध्यक्ष की सीट पर बैठ गए थे। इतना ही नहीं, स्पीकर के सामने जाकर नारेबाजी करते थे। या तो होना कि हमारी तरफ से कोई आग्रह गया हो, बिना आग्रह के आपने खुद ही प्रस्ताव लाया और खुद ही वापस ले लिया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं ना? या तो आप उसको जो है, अगर आप आपने कर दिया था और सुरेश भारद्वाज जी वो उस प्रस्ताव को लेके आए जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, और वो इतनी जल्दी भूल गए कि वो जो पिछले जब भाजपा विपक्ष में थी तब जाके स्पीकर के आसन पर बैठ गए थे। ऐसे लोग हमारे खिलाफ जो है प्रस्ताव लाएंगे, निंदा प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है वो हिमाचल के जनता के हितों को देखते हुए कर रही है, और जो भी हमारा ये कहना है कि हमारे प्रश्न जो है पीछे धकेले गए हैं, हमारे प्रश्न जो है पीछे किए गए हैं। अब आप क्या समझते हैं, नेशनल हाईवेज पे यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? अगर प्रश्न लगा तो कहाँ पहुँचा दिया, वर्दी का प्रश्न लगा तो कहाँ पहुँचा दिया। तो एटलीस्ट जो है विधानसभा में संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि वो सभी को उचित समय दें। विपक्ष का ये आरोप भी निराधार है कि अध्यक्ष सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा नियमों के तहत चलती है, लेकिन जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उन पर चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए सभी विधायकों को बोलने का समय दिया जाता है। सबसे अनुरोध है कि वो सदन की गरिमा का ध्यान रखें। प्रतिपक्ष का अपना महत्व है, प्रतिपक्ष को अपने विषय रखने हैं और प्रतिपक्ष जनता की आवाज बन करके अपनी बात कहे, उसके लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं और नियमावली में बहुत सारे प्रावधान हैं, और लगातार उन प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, परंतु सीमा लांघ करके और नियमों के विपरीत बात कहना वो सर्वथा अनुचित रहता है। और एक जो विधानसभा में जिस संचालन नियम के अंतर्गत काम होता है उसी के अंतर्गत उस काम को करना, व्यक्तिगत तौर के ऊपर एलिगेशन से लगाना और उनको पूरी तरह से रिफ्यूट भी कर दिया गया है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों और इस सेशन के समय का सदुपयोग करते हुए जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये कहना गलत है कि सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी है। जिन शब्दों का प्रयोग विपक्ष कर रहा है वो सही नहीं है। सदन का हर सदस्य जिम्मेदार होता है, इसलिए शब्दों का सही चयन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भावनाओं को व्यक्त करते नाराजगी हो जाती है, इसको छोड़ देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि विपक्ष के नेता का पद खैरात में दिया गया है। हाँ, बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी जरूर हुई,
और पिछले कल एक परिस्थिति बीच में हुई थी जिसके कारण दोनों पक्ष में काफ़ी नारेबाजी भी हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में विपक्ष जो है वो वॉकआउट करके चला गया था। लेकिन आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कल जिस प्रकार से कुछ शब्दों का चयन हुआ था उस पर आपत्ति कुछ साथियों ने उठाई है और उनके जहन में ये सारा विषय रजिस्टर हो जाए कि जो शब्दों का चयन पिछले कल हुआ था, चाहे वो आसन के खिलाफ किया, चाहे वो सदन में सदस्यों के खिलाफ किया गया, तो इसलिए वो उपयुक्त नहीं था, उचित नहीं था। उस बात को लेकर के हमारे कुछ साथियों ने अपनी बात कहने की उनकी विपक्ष की उपस्थिति में कोशिश की और उसके कारण थोड़ी देर के लिए वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल भी बना निश्चित रूप से। लेकिन बाद में हम जो है सब मिल करके अपनी अपनी बात कहे हैं, विपक्ष के नेता ने भी अपनी बात कही और उसके साथ साथ में हमने भी अपनी बात कही और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक उचित माध्यम है और ये फासला बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए और ये गतिरोध भी देर तक नहीं रखना चाहिए, लोकतंत्र के हित में यही है और उसके बाद अब कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि नशे पर चर्चा भी नियम के तहत ही होगी, इसलिए सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।